हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। दिन से अभी बज गया, अभी दिन का 2:30 से ऊपर हो गया है। मैंने हर्ष के लिए बनाया थोड़ी सा दलिया और मैं दूध के लिए बनाने जा रही हूँ मैगी। मेरे दूध भी ऊपर आ चुका है। मैं फटाफट से मैं के लिए मैगी बना देती हूँ क्योंकि उसे भूख लगी रहती है। आज खुश हो जाएगा मैगी देखिए, क्योंकि मैगी में उसको हर रोज देती नहीं हूँ ना, कभी कभी देते हैं उनसे मैगी। मैगी ज्यादातर कहते हैं कि अच्छी नहीं होती है, इसलिए। और मेरा हर्षू का हो गया दलिया बनके तैयार। और दोस्तों, आप बन रही मिडिल की मैगी। मिडिल से सिंपल मैगी खाते हैं, जैसे पहले पानी डाल दिया और उसके पानी को उबाल के उसमें मैगी खा लो, मैगी डालो। मैगी के साथ मिडिल की रोटी भी खा सकते हैं, तो मैगी का समय रोटी भी खाई देगा। उसके साथ वैसे तो खाता है स्कूल से आके, क्योंकि स्कूल से आके बच्चों को ना अक्सर भूख लगी रहती है। बहुत से लोग तो दिन में खाना बनाते हैं दाल चावल, तो बच्चे दिन में दाल चावल खा लेते हैं। हम लोग सुबह बनाते हैं दाल चावल रोटी वगैरह, सब कुछ हमारा सुबह बन जाता है, क्योंकि शुरू से ही मम्मी लोग यही ऐसी रूटीन है, मम्मी लोग ऐसे बनाते हैं। और बच्चे भी सब स्कूल स्कूल से ऑफिस का बच्चों का स्कूल होता था, इसलिए अब वही सुबह आदत ही होगी खाने की। और अगर किसी दिन मन करता है तो हम फिर चावल भी रखे रहते हैं, ये खा लेते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको सुलाने जा रही थी, ये सोया आधा घंटा भी नहीं सोया। मैं कपड़े उठा के लाई हूँ और बिस्तर उठा के अंदर रखे हैं। उससे पहले मृदुल के साथ छोड़ गई, इसको सिलेंडर लेने गई। सिलेंडर लेके घर आई तो इसने पूरे मृदुल के कपड़े ख़राब करके इसमें सुसु करी थी कि बहुत बदतमी, बहुत बिगड़ रहा है मेरा प्यारा प्यारा बेटा है ये। और उसके बाद मैंने सोचा इनको सुला दिया जाए, दूध इन्होंने पिया। दूध पीने के बाद मैंने सुलाया तो ये आधा घंटा नहीं सोए हैं, 20 मिनट में सो के उठ गए हैं। और मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा है। देखिए दोस्तों, पर आपको पीछे मेरी घड़ी दिख रही है, इसका दद्दा चले गया खेलने। वो आएगा खेल के और कहेगा कि मुझे भूख लगी, मम्मी मुझे खाने को दो, ये भी कुछ कहना चाहता है। और जैसे ही ना दोस्तों मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, तो ये पता इसको समझ में जाने क्या आता है, अपने मन से बोलने लग जाता है।
हर्षी, हेलो बोलो। हेलो हेलो गाइस, हेलो हेलो, माय नेम इज हृदयांश भट्ट। मैं छोटा 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 बच्चा हूँ और मेरी मम्मी मुझे छुलाते रहती है और मैं बिल्कुल नहीं सोता हूँ। तो दोस्तों, अब कैसे काम होगा आप ही समझ सकते हो। कैसे मैं खाना बनाऊंगी, कैसे हम खाएंगे? आ मम्मी भी घर पे नहीं है। अगर मम्मी घर पे होती ना तो मम्मी या इसको देखती है, काम कर लेते हैं। मतलब हम दोनों ऐसे मिलके कर लेते हैं, कुछ मम्मी ने किया कुछ मैंने किया, तो हम लोग आपस में कर लेते हैं। अब ये हाल है मेरे लड़के के। हे हर्षू, आज लग गया है अप्रैल का महीना और अप्रैल के महीने में भी इतना ठंडा हो रहा है ना दोस्तों। हमने स्वेटर देखी, स्वेटर निकाली है और मेरे हर्षू तो बिल्कुल बन रखा है मंकी मैन। हेलो, सो गाइस, हमारा तो डेली यही रूटीन होता है कि उठो, खाना बनाओ, काम करो, फिर बच्चे को देखो, फिर बच्चे का करो, तेल मालिश करो, उसके बाद फिर बर्तन वर्तन धोने का होता है। ये देखिए नींद आ रही है, बट जनाब सोएंगे नहीं। ये महाराज को नींद नहीं आई, अपने पापा के अंत तक उठे रहता है। कल रात में क्या हुआ, मृदुल को नहलाना था, दिन भर टाइम इसने नहलाने का मौका ही नहीं दिया। फिर रात को जब इसके पापा आए तब मैंने फिर मृदुल को नहलाया, क्योंकि आज मृदुल को स्कूल भी जाना था। हर्षी, क्या कर रहे हो बिटू? ये हाल है मेरे लड़के के। तो दोस्तों, हमारा तो दिन का रोज का यही रूटीन रहता है। अब रोज रोज का ब्लॉग भी क्या, ब्लॉग में क्या डालूं, यही रहता दिन, हर दिन का यही रहता, कभी कुछ कभी कुछ। आजकल तो कुछ नया हो नहीं रहा है, बस अब नवरात्रि आने वाली है और हम आप लोग के बीच लाएंगे प्यारे प्यारे नवरात्रि के भजन और हम सुनाएंगे आपको नवरात्रि के भजन। ओके, हर्षू भी सुनाएगा, आप भी गाओगे भैया? हर्षू क्लैपिंग करता है हमारा, हर्षू डांस भी करता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, फिर कल लेके आएंगे हम आपके सामने एक प्यारी सी वीडियो। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। बोलो बोलो गुंडू, मेरे गुंडू बोल, चलो इधर देखो, आ जाओ, बोलो फिर ऐसे बोलो, आ जाओ बोल दो, वहाँ दोस्तों को बोल दो हेलो फ्रेंड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे बोलो, फिर ध्यान से यहाँ देखो, ऐसे करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज इसने नहाया भी है दोस्तों। लोग कहते हैं बच्चे नहाने वाले दिन थोड़ी देर तक सोए रहते हैं, और मेरा बेटा जिस दिन नहाता है उस दिन सोता ही नहीं है, उल्टा चलता है यहाँ सिस्टम। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक केयर गाइज़।